सब्सक्राइब करें मिस्टर ग्रोथ चैनल को, सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करके और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर टच करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ब्लूटूथ से अपने दो मोबाइल को कनेक्ट करके आसानी से बात कर सकते हैं। इस वीडियो में आप एक स्पेशल एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे जिससे हम ब्लूटूथ से दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी ही अच्छी साउंड क्वालिटी में हम उनमें बात कर सकते हैं। ये आसानी से पेयर हो जाते हैं और फिर हम काफ़ी आसानी से इनमें बात भी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली देखिए, जो भी ब्लूटूथ का वर्जन होगा आपके मोबाइल में, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी से आप दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग मोबाइल में जो भी ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल आते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की ब्लूटूथ हो सकती है, क्योंकि इसमें वर्जन 3 एंड 4 एंड मे बी और भी कई वर्जन आते हैं ब्लूटूथ में। तो ये ब्लूटूथ की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है और कितनी दूरी से आप ब्लूटूथ के जरिए दो मोबाइलों में बात कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमारे साथ शेयर किया है हेल्प इन इंग्लिश एंड हिंदी चैनल ने, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को मेल करके इस वीडियो को भेजा था। मुझे ये काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा कि आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि कैसे हम दो मोबाइलों को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप ब्लूटूथ कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप एक दूसरे से ब्लूटूथ के जरिए कॉलिंग कर सकते हैं। इसमें ना आपको डाटा की ज़रूरत है और ना ही बैलेंस की, आप इसमें फ्री में कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, उसमें आप टाइप कीजिए वॉकी टॉकी। आप इस एप्लीकेशन को ध्यान से देख लीजिए, आपको इस एप्लीकेशन को उस डिवाइस में भी इंस्टॉल करना है जिस डिवाइस में आप ब्लूटूथ कॉलिंग करना चाहते हैं। तो हमने इन दोनों डिवाइस में इंस्टॉल कर रखा है, फिर इसके बाद आप दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर हम ब्लूटूथ ऑन किए लेते हैं दोनों डिवाइस में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्सल V2 लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेयर का ऑप्शन आ गया है, आप दोनों फोन में क्लिक कर दीजिए। अब आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फोन में एक दूसरे का ब्लूटूथ डिवाइस आ चुका है। अगर आप फोन लगाना चाहते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें घंटी आएगी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें घंटी आएगी। इस एप्लीकेशन की एक खास बात और है, अगर आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे तो भी घंटी आपको सुनाई देगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया है, फिर भी हम इस फोन में अगर फोन लगाएंगे तो आपको घंटी सुनाई देगी। तो चलिए एक बार ट्राई की लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोन आ चुका है, आपको शायद घंटी सुनाई देती होगी। आप एक्सेप्ट पर क्लिक करके फोन उठा सकते हैं। हेलो, आप देख सकते हैं कि दोनों फोन में बात हो रही है ब्लूटूथ के जरिए। इसमें ना आपको इंटरनेट की जरूरत है और ना ही बैलेंस की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सीख पाए होंगे कि कैसे हम दो मोबाइल को ब्लूटूथ के जरिए एक एप्लीकेशन के जरिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ दूरी में जो भी लिमिट है ब्लूटूथ की कैसे उनमें बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्प इन इंग्लिश एंड हिंदी चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको उस चैनल पर और भी कई वीडियो मिल जाएंगी जो आपके काम आ सकती हैं। तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिए और अगर अच्छा लगे तो आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।